सरकार का कानून, सरकार का हथियार, सरकार क्या कर रही है? कांग्रेस के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। अब इज्जत नहीं है लेडीजों की, कुछ भी फायदा नहीं है सरकार का। जहाँ मर रहे हैं जहाँ जी रहे हैं वहाँ जी रहे हैं। लेडीज कब तक भुगतेंगी ऐसी? अभी इतना डर तो आगे भी डर है। महंगाई इतनी हो गई है, कहाँ से लाएंगे खाने के लिए? ये तो इज्जत भी तो कुछ होता है ना। महिलाओं करे पोता है, लड़की करे पोता है, खुलेआम रोड पे मर्डर होता है। अगर सुरक्षा होता तो होता ही नहीं सब चीज। किसान अगर अमीर होता तो किसान रोड पे क्यों बैठता? लाखों लाख किसान फांसी लगा के मर गया, क्यों मर गया? ये सरकार सच में गोंगी बहरी है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर मणिपुर हिंसा को लेकर तमाम लोग जो है धरना प्रदर्शन करने आए हैं। इसमें महिलाओं की संख्या आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो नया एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें मणिपुर में कुछ लोग जो हैं दो महिलाओं को नग्न करके और घुमाया जा रहा है। ये जो है एक निंदनीय, बहुत ही घटिया हरकत की गई है, और जो तमाम हिंसा है अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, कम नहीं हो रहा। उसी को लेकर यहाँ तमाम लोग जो है प्रदर्शन करने आए हैं, सरकार से विरोध प्रदर्शन में आए हैं। यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या कुछ कहने हैं। क्या कहेंगे आप? मैम, होना चाहिए ऐसा जैसा जो ये कह रही हैं सरकार, बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। लेडीज कब तक भुगतेंगी ऐसी? अभी इतना डर तो आगे भी डर है। लेडीज कब तक की बेचारी अत्याचार सहेगी? उनको तो जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। मोदी ने गलत कराया, जो किया, जो दावा किया उस बात को गलत किया, नहीं उठाया तो आगे भी नहीं उठा पाएंगे। तो महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, होना चाहिए। राहुल गांधी बलात्कार वलात्कार सब खत्म करो। राहुल गांधी क्यों आना चाहिए? राहुल गांधी आके दिल्ली बदलेगा? आ जाना चाहिए उनको भी तो देखना। क्यों राहुल गांधी पहले भी वही थे और अब भी वही रहेंगे? अंदर क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, जरूर देखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। नहीं था कांग्रेस के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। इज्जत होती थी, अब इज्जत नहीं है लेडीजों की। मोदी और मोदी सरकार कहती है कि इस महिलाओं को सबसे ज्यादा सुरक्षित हम ही ने किया है। कुछ ना किया मोदी ने, कुछ भी नहीं किया। बेरोजगार डोकती है, अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। डर नहीं होता, सोच के निकलना पड़ता लेडीजों को भी बाहर। महंगाई इतनी हो गई है, कहाँ से लाएंगे खाने के लिए? महंगाई की महंगाई तो करी है, पर ये तो इज्जत भी तो कुछ होता है ना, वही है। बाहर निकल सकेंगे कोई? लेडीज सुरक्षित थी, कहीं भी जाती थी, कहीं भी आती थी। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सबों के बच्चों के काम बंद हो रहे हैं, सबों के घरों में, किसी के घर में खाना नहीं बनता जल्दी थी। सोचना पड़ता 10 बार बेटी को निकालने से पहले। महंगाई बताओ क्या करे, ये तो चौड़े में ही हो रहा है, ये गलत है ना। अभी नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो लगातार प्रधानमंत्री रैलियों में देते हैं और लोग खुश होते हैं, यूं ही देते हैं, कोई कुछ नहीं है। जहाँ मर रहे हैं जहाँ जी रहे हैं वहाँ जी रहे हैं। बेटी की तो सुरक्षा है नहीं, नारा ऐसे लगा रहे हैं। लड़कियों को तो बलात्कार हो रहे हैं, 4-4 साल की लड़की को छोड़ नहीं रहे, 4-5 साल की लड़की को छोड़ रहे। वो तो पुरानी सरकार में भी होती थी, न्याय होता था। अब न्याय नहीं होता, अब न्याय नहीं होता, छोड़े में मारते लड़कियों को भी। हाँ, इंदिरा गांधी के राज में भी नहीं हुआ ये बात, अब हो रहा है। इतना नहीं होता था, अब होता है। लेडीजों को मारते हैं, सब कुछ करते हैं। आप लोग यहाँ पर क्यों हुए हैं? सामने जो मणिपुर के हिंसा को लेकर पोस्टर लगाया गया है, आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? हम तो न्याय मांगने आए हैं। किस बात के लिए न्याय चाहिए? जो हुआ है दो लेडीजों के साथ, राहुल गांधी हो सकते हैं मैम, ये हमारे साथ भी है, हमारे साथ भी हो सकता है, हमारी भी बेटी है, आवाज उठानी पड़ेगी। मणिपुर हिंसा को लेकर पोस्टर लगाया गया है, क्या आपकी मांगे क्या है सरकार से, क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि उनको भाई करो, उनकी मदद करो, हर चीज का, लेडीजों की जहाँ पर भी। सरकार मदद कर रही है, जाके वहाँ पे बैठकें कर रही है, लेकिन वहाँ पर महिलाओं पर आरोप लगते हैं कि वो जो दंगा भड़काऊ लोग हैं उनका साथ देती है महिलाएं वहाँ की। क्या फायदा, बेटी को गलत बता दिया, बेटी को ही गलत बता दिया, क्या फायदा है सरकार का? कुछ भी फायदा नहीं है सरकार का, कुछ भी नहीं है फायदा। कोई मोदी कुछ करेगा ना कुछ। हाँ, बेटा वहाँ से वो करता रहता, कुछ नहीं करता वो, मोदी कुछ नहीं कर रहा, लालच दे के पब्लिक वो नहीं कर पाएगा वो, काम करने लगा। हाँ, राष्ट्र भक्त है मोदी, राष्ट्र भक्त है, देश भक्त है। अरे छोड़ो, कहने से क्या होता है, कुछ है कि वो देश के हित में काम करते हैं, देश के लिए उन्होंने अपना परिवार त्याग दिया है। कुछ भी ना त्यागा, जो खुद बेल रहा वो क्या त्यागेगा। और भी यहाँ पर काफ़ी लोग, आप तमाम भीड़ देख पा रहे होंगे, बहुत लोग मौजूद हैं, और भी महिलाएं एकत्रित हुई हैं, उनसे बात करेंगे। ये जो हो रहा है अन्याय, जो हो रहा है लड़की के साथ हो रहा है, कभी पहलवान के साथ हो रहा है, कभी स्टूडेंट के साथ हो रहा है, सब चीज़ में तो क्रक्स ही है। क्या ऐसा चीज़ है जिसमें कि क्रक्स नहीं है?
तो इसके लेकर के अपना मान सम्मान और अपना इज्जत प्रतिष्ठा। मणिपुर हिंसा में दो महिलाओं की जो नग्न करके वीडियो वायरल किया जा रहा है, उस पर क्या कहूँ? देखो जो भी हुआ है सही नहीं है, लेकिन ये सरकार सच में गोंगी बहरी है कि अन्याय चीज को और गलत चीज को झांक के रखती है, और जब उसको अपना वोट लेने का टाइम आता है तो उस चीज को उजागर करती है। तो ये सरकार कहती है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा सुरक्षा हमारे सरकार में है। नहीं है सुरक्षा, है कहाँ? है तो नहीं ना, है कहाँ बताओ? अगर सुरक्षा होता महिलाओं का, रेप होता है, लड़की का रेप होता है, खुले आम रोड पे मर्डर होता है, अगर सुरक्षा होता तो होता ही नहीं ये सब चीज, होता ही नहीं ये सब चीज। ये तो दिखावा है कि हम कर दिए, यहाँ कैमरा लगा दिए, कैमरा में लाइट ही नहीं है, जो करना है कर लो, बाकी बाद आके कैमरा देखेंगे अरे कैमरा खराब था। फिर किस लिए लगाए हो? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हम लोग को महिलाओं को कष्ट है, दिक्कत है, हमारे ना घर चलता है, ना परिवार चलता है, ना बच्चा पढ़ लिख रहा है, हम लोग को कष्ट और दिक्कत है। सरकार ने कोई सुरक्षा नहीं दिया महिलाओं को? कहाँ दिया है? तो नहीं दिया है ना, वो तो बोलते ही हैं कि महिला के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर करा तो कुछ भी नहीं है ना। कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है अभी? ना तो गरीबी हट रही है, महंगाई इतना कर दिया है कि गरीब दुखी कैसे करे, उसको कहाँ से लाए? जो मजदूरी कर रहे हैं वो कैसे खाएं, कहाँ रहे वो, उनके लिए क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, बस बोलते ही तो है, करते कहाँ है, बस यही है। कहते हैं कि महिलाएं जो है मणिपुर की, वही दंगा भड़का रही है, दंगाइयों का साथ दे रही हैं। फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार, सरकार का सत्ता, सरकार का पुलिस, सरकार का कानून, सरकार का हथियार, सरकार क्या कर रही है? सर हर चीज को सरकार ने अपने पॉकेट में डाल के बैठी हुई है। मान लिया जाए महिलाओं ने सब चीज किया, लेकिन क्या कर लिया, क्या किया सरकार, क्या कर रहे हैं? महिलाएं वहां की जो दंगाइयों का साथ देगी तो सरकार क्या कैसे करेगी, क्यों नहीं करेगी? अगर मान के चलो हम 10 महिलाएं हैं, अगर लग रहा है सरकार को कि हम गलत कर रहे हैं, हम अन्याय कर रहे हैं, हमारे ऊपर सजाए करो, जो कानून है कानून का कार्यवाही करो, क्यों नहीं कर रहे हो? तो आज वो कर रहा है, कल वो करेगा, परसों वो करेगा, फिर महिलाओं को इज्जत सम्मान रहा ही नहीं, फिर बहन बेटी को घर से निकलना बंद हो जाएगा, कैसे निकलोगी? एक आखिरी मैसेज कि सरकार से आप जो तमाम जो आपकी मांगे हैं वो पूरी मांगे क्या है? देखो हमारे मांगे यही है कि हमारी बहन बेटी और हम खुद भी सुरक्षा के अंदर रहें, सेफ्टी रहे, हमारे साथ कोई दिक्कत ना हो, और महंगाई जो है वो आम पैसे वाले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जो झाड़ू पोछा के काम, हम लोग झाड़ू पोछा के काम करते हैं, हमारा घर कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? हमारे न रहने का है, न घर है, न ठिकाना है, न खाने का, हम क्या करेंगे बताओ? कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ने से सब किसान अमीर हो रहे हैं। तो किसान अमीर, किसान कैसे अमीर? किसान अगर अमीर होता तो रोड पर क्यों बैठता? किसान, किसान अगर अमीर होता तो किसान रोड पर क्यों बैठता? लाखों लाख किसान फांसी लगा के मर गया, क्यों मर गया? अगर अमीर होता तो क्यों मर जाता? मेरे पास हर चीज़ रहेगा, मैं मर जाऊंगी? सरकार ने, मोदी सरकार क्यों नहीं फांसी लगा लेता है? मोदी सरकार भी तो को लगाना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे एक नारा लग रहा है, जो है सरकार के खिलाफ एक नारा लगाया जा रहा है, देखिए कैसे नारा लग रहा है। नरेंद्र मोदी महिलाओं के सम्मान में, कांग्रेस के मैदान में, नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महिलाओं के सम्मान में, कांग्रेस के मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, कांग्रेस। आप ये नारा क्यों लगा रहे हैं? क्या मोदी, मोदी ने क्या गुंडागर्दी की है? ये गुंडागर्दी तो है, वह लड़की को नंगी मनी कर उनमें निकाल दिया, यहाँ पे कुछ हो जाता है, शोषण बिल्कुल नहीं, आगे आते पुलिस वाले भी कहते थे बाहर जाओ बाहर जाओ, कंप्लेंट लिखाने जाते वहाँ भी नहीं आते, आगे आने नहीं देते। मोदी सरकार का दावा है कि महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, कहाँ उनकी सरकार? आप आ जाओ हमारे गली में आओ, फिर दिखाते आपको जलवा, देखो किसी की बहनें की गुंडागर्दी सामने सामने छेड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, कौन छोड़ता है? पुलिस में जाओ, पुलिस वाले कहते जाओ 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 भाग जाओ, क्या करें? पुलिस वाला सुनाई नहीं करते, सुनाई नहीं करते, सुनाई नहीं करते, दो मर भी जाए तो सुनाई नहीं करते, मार रहे तो मार रहे हैं, छोड़ रहे तो छोड़ रहे, लड़कियों की बेइज्जती हो रही है तो छोड़ कर रहे नहीं, दिखाई नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि कैसे एक गुस्सा है, जो नारा आपने सुना कैसे मोदी सरकार जो है बेकार है, और साफ तौर
पर गुस्सा देखा जाए तो जायज भी है, क्योंकि जिस तरह से एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें दो महिलाओं को पूरी तरह से नग्न करके कुछ पुरुष जो हैं वो लोग जो महिलाओं को घुमा रहे हैं, इस तरह की अगर घटना होगी तो लोगों में आक्रोश बढ़ना एकदम जायज है और आक्रोश बढ़ना गलत नहीं है। इस तरह से आक्रोश बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। लोगों का साथ में ये भी आरोप है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करती, सरेआम लड़कियों के साथ बदसलूकी होती है लेकिन पुलिस भी सुनवाई नहीं करती। ऐसे अगर चलेगा तो फिर लोगों में आक्रोश बढ़ना तो बनता है और लोग आक्रोशित होंगे ही। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन साक्षी के साथ ब्यूटी गिरी दिल्ली।